तो लेकिन इसमें हम लोग में से अधिक हैं जो गीता प्रचार करने में योग्यता नहीं रखते हैं। उस दिन एक माता जी पूछ रही थी, हम क्या करेंगे, हम तो बाहर नहीं जाते प्रचार करने के। तो कई प्रकार के ऐसे हमारे से व्यक्ति हैं जो प्रचार करने में असमर्थ हैं, ना तो बाहर जा पाएंगे, उनका अदर एंगेजमेंट है, और ना उनका स्टेज फेयर रहता है, किसी बोलने में उनको शर्म लगता है। कई कई प्रकार के पाबंदी के कारण, असमर्थता के कारण वो प्रचार नहीं कर पाते, तो फिर क्या करेंगे। तो उनके लिए भगवान ये श्लोक बोलते हैं कि अब अगर प्रचार नहीं कर पाओगे, जा करके पढ़ तो सकते हो ना, एटलीस्ट रीड गीता। अध्यस्यते च इमं धर्मं संवाद आवयो। अध्यस्यते का अर्थ है अध्ययन करना, च अध्ययन करने पर भी अनुभव करते हैं, अगर तू गीता प्रचार नहीं कर पाओगे, गीता को व्याख्या नहीं, गीता तो पढ़ो ना। अध्यस्यते अध्ययन करने पर भी, किसको अध्ययन करना, इमं धर्मम संवाद में आवयो। आवयो मतलब हम दोनों के बीच में ये जो संवाद हुआ, ये धर्म समन्वित है, इसमें पूरा धार्मिक बात है। मनुष्य जीवन का परम धर्म का चर्चा इस हमारा संवाद में हुआ। मतलब ऐसा भगवान का कहने का मतलब है, यह इमं संवाद में आवयो, मतलब आप मेरे मित्र है और हम आपके सखा है, हम दोनों का बीच में तो कितने संवाद हुआ है, कितने बातचीत डेली डेली होता, तेरे को मित्र में बातचीत होता रहता है, आप जैसे मित्र हैं कितने फोन करते रहते हैं, कि इसे मिलने पर बातें करते रहते हैं, बोले कितने संवाद हुआ है हम दोनों के बीच में, लेकिन ये संवाद नहीं है धर्म संबंधित। आज आप और मेरे में अभी अभी जो ये बात हुआ, अभी जिसको हम कंक्लूड करने जा रहे हैं, यह इमाम संवादम, ये जो संवाद कृष्ण अर्जुन संवाद नाम में पूरी जगत प्रसिद्ध होगा, ये जो संवाद, तो लड़ाई ना करने के लिए बैठ गया था, मैं तुझे समझा रहा हूं, ये संवाद मनुष्य मात्र के धर्म है, धर्म समय के संवाद है, इमं धर्मम, उस केवल इसी की संवाद को पढ़ना है। मतलब और कृष्ण अर्जुन की कई बातें हैं, इसको नहीं, जिसको भगवान ने गाए अर्जुन के लिए कुरुक्षेत्र युद्ध में, इसी को भगवान पर्टिकुलर कहते हैं इमं धर्मम संवाद। ये संवाद धर्म जो धर्म संबंधित है, जो हम दोनों में आवे दोनों में हुआ, उसको अध्यस्यते, उसको कोई पाठ करता है, तो ज्ञान जगे न तेन हम इष्ट स्या मति में मति। जो मन लगा करके, बुद्धि लगा करके इस गीता को पढ़ता है, तो भगवान कहते हैं कि मैं वो पढ़ता है, वो मुझे पूजा नहीं करता, फूल पानी पंचोपचार को पूजा के उपकरण लाकर पूजा नहीं करता, लेकिन उनके पाठ करने मात्र से मैं पूजा हो जाता, मैं पूजित हो जाता। आप देखिए, आपको ब्राह्मण ब्राह्मण इंस्टीट्यूशन लेना पड़ेगा ठाकुर जी पूजा करने के लिए, फिर फूल तुलसी पानी और पूजा के कई प्रकार सामग्री, ड्रेस ठाकुर जी लाओ, वो करो है ना, नहीं उनके ड्रेसिंग करो, कितने प्रकार की झमेला है। तो भगवान पूजा, वो भी पूजा सही से हुआ कि नहीं, कितने गलती सलती दुनिया भर का होता है, अपराध भी होता है, लेकिन यहाँ भगवान स्वयं कहते हैं, स्वयं अपने सिंह से कहते हैं कि मैं पूजित हो जाता हूं। और ज्ञान के द्वारा पूजित होता हूं, केवल ऐसा नहीं कि अच्छी तरह से पूजित हो जाता हूं, जो कोई गीता के पढ़ता है। गीता को ज्ञान यज्ञ न कहने का मतलब, ये मेरे लिए यज्ञ हो जाता है, बाकी जैसे द्रव्य यज्ञ ज्ञान, इस ज्ञान यज्ञ से मतलब गीता को केवल रीडिंग नहीं करना चाहिए, स्टडी करना चाहिए। मतलब भले आप में तो आप जितने भी गीता एकेडमी के सदस्य हो, जितने स्पेशली टू ऑल दी स्मॉल गर्ल्स किड्स, जो लोग बड़े उत्साह से बड़े श्रद्धा से जुड़े हैं, तो मैं उन सभी को चरण में ही प्रार्थना करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि एटलीस्ट यू टेक
10 मिनट्स ऑफ योर डे, 10 मिनट्स में कितने समय नष्ट करते हैं, एंड पर्टिकुलरली गिव इट फॉर भगवत गीता रीडिंग एवरी डे, नो मैटर एवरी डे हम प्रसाद खाते हैं, स्नान करते हैं और दुनिया भर का काम करते हैं, जस्ट कीप ए गीता विथ यू वेयर एवर यू गो एंड रीड इट, रीड नहीं स्टडी इट, स्टडी मतलब उसको मन लगाकर पढ़ना चाहिए, जस्ट रीडिंग नहीं कर लेना चाहिए, जस्ट नॉट रीड इट, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, इच वर्ड ऑफ इट ट्राई टू अंडरस्टैंड, और जो आप हमारा आलोचना होता है गीता के ऊपर उसको सुन करके फिर गीता को पढ़ो, दोनों मिला करके ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, डेप्थ ऑफ इट, उसका उसको समझो भगवान क्या कहते हैं, और इसको समझने का प्रयास करो, तात्पर्य पढ़ो, उसके ऊपर सुनो, चिंतन करो 10 मिनट एटलीस्ट, तो इसके द्वारा प्रामाणिक रूप से भगवान की पूजा हो जाता है, भगवान स्वयं कहते हैं पूजा हो जाते नहीं, हम करते भी वो हो जाते हैं, हम तो गीता पढ़ेंगे लेकिन भगवान इतने प्रसन्न हो जाते हैं हमारा पढ़ने से कि वो सोचते हैं कि मेरे तेना हम इष्ट श्याम, तेन अहम इष्ट श्याम, इष्ट मतलब पूजित, वो उनके द्वारा मैं पूजित हो जाता हूं, मैं मति, ये मेरा मत है, ये मैं कहता हूं, इसके और एक अर्थ निकल सकता है, मतलब जहां पर गीता चर्चा होता है कि जो कोई गीता ध्यान से पढ़ता है तो भगवान स्वयं सर्वत्र है ना, वो सुनते हैं, मति, क्योंकि भगवान सर्वव्यापी है, सर्वत्र श्रुति मन लोके, भगवान का कान सब जगह में है, तो जहां पर गीता क्लास होता है भगवान यहाँ रहते हैं, सुनते हैं, और जो बड़े ध्यान से गीता को पढ़ता है, समझने प्रयास करते हैं, भगवान प्रसन्न चित्त से उनके हृदय में बैठे हैं, बैठ कर पूजित होते हैं, बड़े खुश होते हैं, तो मेरा ये संवाद है ना, आपको ये साधारण दुनिया में भी हम देखते हैं, जैसे आप कोई बातचीत किए और कोई इसको याद करता है कि मम्मी ने इसी बात का था कहा था, कि माता जी ने इसी बात कही थी, आप अगर सुनेंगे कितने खुश होंगे, चल मेरी मेम्बर कर रहा, तो इस प्रकार ये सब जो हमारा भाव है, सारे भाव तो भगवान से ही आया ना, तो भगवान को भी कोई याद करता है, याद करने का सबसे अच्छा तरीका है, भगवान अपने परम प्रिय मित्र अर्जुन को जो इतने सुंदर धार्मिक कथा कहे थे उसको जो पढ़कर समझना चाहते, भगवान देखो मुझे याद करता, मैं अर्जुन को जो कहा था बड़े मनुष्य मात्र धर्म की बात जो समझा था उसको पढ़ने के लिए समझने का प्रयास करता है, तो भगवान विल बी वेरी वेरी प्लीज्ड, भगवान बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, और प्रसन्न होकर स्वयं कहते हैं कि मैं पूजित हो जाता हूँ ज्ञान के द्वारा, बाकी हम लोग पूजा करते हैं मंदिर में, ये बत्ती पत्ता फूल पुष्प से पूजा करते हैं, सिर्फ द्रव्य के द्वारा, कई प्रकार द्रव्य इकट्ठा कर पूजा करते हैं, इससे कई गुना अच्छा है ज्ञान के द्वारा पूजा करना, वो बेटर है, अब भगवान वो बेटर है, हम ज्ञान पूजा भगवत गीता का पाठ करना ये भगवान की पूजा है, और केवल फूल तुलसी पत्ता के द्वारा नहीं, ये ज्ञान के द्वारा पूजा है, बेटर पूजा है, तो आप लोग को बिना दीक्षा में, बिना पूजापकरण में, बिना ड्रेस, बिना ठाकुर जी, बिना अल्टर रूम में जाने, पुजारी रूम में जाए बिना, आप प्रतिदिन भगवान को पूजा कर सकते हैं, और ऐसी पूजा जो कि भगवान स्वयं ग्रहण करते हैं, बाकी पूजा तो भगवान ग्रहण करते कि नहीं पता नहीं, हम अपना एक्सरसाइज करके आए, भगवान सचमुच पूजा ग्रहण, लेकिन ये पूजा भगवान बोलते हैं तुम घर में बेडरूम में बैठो, कहीं बैठो, गीता अगर पढ़ो तो मैं स्वीकार करता हूं पूजा, जिसको हम जो जब स्वयं वो बोलते हैं तो फिर इसमें आप सोचने का क्या संशय की क्या बात है, तो इसलिए हमारा ये परम कर्तव्य होना चाहिए कि भगवान को पूजा, क्योंकि भगवान जो परम गुह्यतम ज्ञान बताया था ना, याद है आपको, चार चीज करने के लिए बताया गया था, चार चीज में एक चीज है इज्जा पूजा, मनमना भव, मद भक्त भव, मद याची, भगवान से मेरा पूजा करो, जो चार प्रत्येक आत्मा परम ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण के लिए जो फीस जमा करना है, उनके कृतज्ञता ज्ञापन करने के लिए भगवान हमसे चार चीज मांगे हैं, ये चार चीज में एक है उनकी पूजा करना, और पूजा करना तो हम डीटी वर्षिक मान वाले पढ़े नहीं, ट्रेनिंग लेने पर भी हमको आता ही नहीं,
हम कई प्रकार के कमी रहता है, तो यहाँ भगवान स्वयं अपने श्रीमुख से कहते हैं द बेस्ट वे ऑफ वर्शिपिंग हिम। और स्वयं कहते हैं कि अब गीता पढ़ो, इसके लिए स्नान करो ना करो, कैसे करो कैसे, अगर स्नान करके बढ़िया आसन लगा करके प्रणाम करके गीता को शुद्ध स्थान में बैठकर पढ़ो तो बढ़िया, जैसे पूजा है इसे करना चाहिए, बिल्कुल अपना ये इष्ट है, इष्ट को हम संतुष्ट करेंगे, अपने प्रभु को संतुष्ट करेंगे, इसलिए पवित्र भाव से पवित्र स्थान में पवित्र मन लगा करके अगर हम गीता को लेकर पढ़ने करके समझने का प्रयास करेंगे और समझ करके उसको अपने जीवन में उतन में उतारने के लिए प्रयास करेंगे तो इसके द्वारा भगवान बड़े प्रसन्न होकर के हमारा द्वारा पूजित हो जाते हैं और स्वीकार करते हैं। तो भगवान की कृपा पाने का एक महत्व उपाय है, महान उपाय भगवान की कृपा पात्र बनने का, भगवान के प्रिय बनने का। हरे कृष्ण। इसमें प्रभुपाद जी ने कुछ लिखे नहीं, केवल उसका ट्रांसलेशन से हम थोड़ा बहुत कुछ आपके सामने चर्चा किए। तो अभी विनोद प्रसाद नहीं है तो गोपी विल टेक ओवर। थैंक यू सो मच महाराज जी फॉर टेलिंग अस कि हम कौन सी ऐसी पूजा कर सकते हैं जिससे भगवान प्लीज होते हैं, एंड इसके लिए कोई पैराफिनेलिया नहीं, कोई डीटी वर्शिप मैनुअल नहीं, सिर्फ गीता अच्छे से पढ़ने से। आपने बताया कि सिर्फ पढ़ना नहीं है, उसको स्टडी करना है, तो स्टडी करके जब हम गीता को स्टडी करते हैं तो भगवान बहुत प्लीज होते हैं, और अगर हम उनकी पूजा नहीं भी करते तो वो खुद एक्सेप्ट कर लेते हैं। थैंक यू सो मच महाराज। शांति देवी माता जी, यू हैव अ क्वेश्चन। हरे कृष्ण महाराज जी, पंचांग प्रणाम। महाराज जी, जैसे यहाँ पर बताया गया है कि जो प्रचार भी नहीं कर सकते वो खाली गीता ही पढ़े तो वो उनकी पूजा बन जाती है, तो जब हम बाकी सब कुछ पढ़ते हैं उसमें ये आता है कि भगवान का जब ज्ञान कोई अर्जन करना है तो उसके बाद भगवान की सेवा करनी चाहिए, सेवा ही सार है। तो यहाँ पर हम लोग पढ़ के कुछ और नहीं कर रहे, खाली पढ़ने को ही पूजा बोल रहे हैं। पढ़ना भी सेवा है, पूजा भी सेवा। तो जो अगर कोई पढ़ता ही रहे और भगवान की सेवा में ना लगे तो केवल पढ़ता रहे तो बहुत अच्छा, लेकिन पढ़ पाएगा क्या? कोई सहे पढ़ता रहे, कोई नहीं कर पाएगा। पढ़ने में तो पुस्तक भी चाहिए, नाम करने के लिए तो वो भी नहीं चाहिए, वही नहीं कर पाते, मर मर के दो अंडा नहीं कर पाते, पढ़ेगा तो और उसमें कष्ट है, नहीं कर पाएंगे कोई। पढ़ने के बाद सेवा करेंगे ही करेंगे, करेंगे जी नहीं सकते। ठीक है ठीक है। हरे कृष्ण महाराज। यस श्वेता माता जी। हरे कृष्ण महाराज, थैंक यू सो मच महाराज। महाराज, इस वर्ष में ज्ञान यज्ञ न देना हम का रेलेवेंस क्या है, वो थोड़ा सा। ज्ञान यज्ञ का रेलेवेंस यही है कि हम साधारणतः पूजा करते हैं द्रव्य के द्वारा, तो बोलेंगे तो कोई पूजा मटेरियल्स तो लाए नहीं, मैं सेकंड इंस्टेशन भी लिया नहीं, है ना, नहीं वो कैसे पूजा हो सकता, अल्टर रूम में गया नहीं, ठाकुर जी भी नहीं है, आचमन पत्र नहीं है, कुछ नहीं है। भगवान बोलते हैं कि ये सब द्रव्य में यज्ञ होता है, उससे बेटर यज्ञ होता है ज्ञान यज्ञ। एक द्रव्य यज्ञ ज्ञान, मैं ज्ञान यज्ञ मतलब पूछता हूँ, उसमें ये सब कोई मटेरियल पूजा उपकरण की आवश्यकता नहीं है। ज्ञान यज्ञ के कहने का मतलब है आपको आपका जो इंटेलिजेंस के द्वारा भगवान के इस धार्मिक संवाद को ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, इसी है ज्ञान यज्ञ, समझने के लिए प्रयास। रीडिंग में इसलिए बोला कि जस्ट नॉट रीड इट, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, अंडरस्टैंड करके आप अगर समझ जाएंगे तो देन यू विल ट्राई टू फॉलो इट। तो ही समझ करके उनको पालन करना, ये है ज्ञान यज्ञ। इसी के द्वारा भगवान परम प्रसन्न होते हैं, पूजित बन जाते हैं। एंड महाराज, जो भक्त प्रचार भी नहीं कर सकते, रीडिंग भी नहीं कर सकते, तो उनके लिए क्या, उनके लिए कल बोलेंगे उनके लिए इसको आप आज के मुझे कल बोलेंगे भगवान स्वयं बोले, जो रीडिंग भी नहीं कर पाएंगे, मूर्ख है, प्रचार भी नहीं कर पाएंगे, उसके लिए क्या करना है, he will give the chance tomorrow. Okay? Thank you, महाराज। नीलम माता जी। हरे कृष्ण महाराज, प्रणाम महाराज। यहाँ पे जो ये लिखा है वह अपनी बुद्धि से मेरी पूजा करता है, यहाँ अपनी बुद्धि का मतलब क्या समझे?
आप अपना बुद्धि से गीता समझेंगे ना, समझने के प्रयास करेंगे तो ये प्रयास को देख करके भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, बोले अपना बुद्धि से मेरा पूजा कर, और कोई उपकरण नहीं उसके पास, अपने बुद्धि के द्वारा मुझे पूजा, ज्ञान यज्ञ के, ज्ञान यज्ञ द्वारा मुझे पूजा। बुद्धि मतलब ज्ञान, जब हम कोई चीज पढ़कर समझना चाहते हैं तो इसमें तो बुद्धि लगाना पड़ेगा ना समझने के लिए, तो बोलते हैं आप गीता को समझने के लिए प्रयास करेंगे भगवान पूजित होते हैं। अब जितनी जितनी समझने के लिए गीता पढ़ेंगे, गीता ही पढ़ेंगे दूसरा नहीं, तो भगवान इतने प्रसन्न होकर पूजा स्वीकार करेंगे। ओके मैम, थैंक यू सो मच, हरे कृष्ण।